आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अडानी ग्रुप का हवाई यात्रियों को बड़ा झटका, यूजर डेवलपमेंट के नाम पर फीस बढ़ाने का दिया प्रस्ताव, लखनऊ एयरपोर्ट से सफर करना हो जाएगा महंगा। अगर आप लखनऊ से फ्लाइट पकड़ते हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अप्रैल से हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अडानी ग्रुप ने यूजर डेवलपमेंट फीस बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। एयरपोर्ट का काम संभाल रहे अडानी ग्रुप के लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें एयरपोर्ट पर तीन चरण में यूजर डेवलपमेंट फीस यानी UDF बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। ये प्रस्ताव इकोनॉमिक अथॉरिटी को भेजा गया है। अब प्रस्ताव पर सहमति का इंतजार है। बताया जा रहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक मंजूरी मिल सकती है। इसको लेकर विमान कंपनियों के साथ 7 मार्च को बैठक होनी है। अगर ये मंजूरी मिलती है तो घरेलू विमान के यात्रियों को 192 रुपये से 1025 रुपये तक यात्रा में अतिरिक्त खर्च देना पड़ेगा। ये चार्ज आने वाले 3 सालों में 3 चरणों में लागू होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल टर्मिनल से यात्रा करना भी महंगा हो जाएगा। यहाँ 561 रुपये से 2756 रुपये तक खर्च अतिरिक्त देना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि इसके साथ अतिरिक्त कर भी लग सकता है। ये खबर लखनऊ एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी नहीं है। लखनऊ एयरपोर्ट से हर साल करीब 55 लाख यात्री सफर करते हैं। साल दर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर एक महीने का औसत निकालें तो करीब 4.5 लाख लोग यात्रा करते हैं, जहां से रोज औसतन 147 से 150 फ्लाइट उड़ान भरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।